गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल। आज सुबह मैं लेट ही उठा, मेरी नींद ही नहीं खुली। 7:15 के आसपास मैं जाके उठ गया था, बट फिर उस टाइम फिर बाहर जाता तो फिर वापस आते वक्त लेट हो जाता, इसलिए फिर लेटा हुआ था आराम से। अभी 15-20 मिनट पहले उठ गया था, मुँह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गया, नहाना धोना बाद में, पहले बाइक साफ करके आते हैं, बाइक की चेन ल्यूब भी करनी है, उसके बाद फिर आगे ना आते हैं। वैसे नींद मस्त आई थी भाई, कल इतनी ज़्यादा मेरी वॉकिंग हुई है ना, मतलब पैदल 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 करीब 14-15 किलोमीटर मतलब मैं तो वॉक कर गया। तो मेरे को लगता है उसी वजह से मेरी नींद नहीं खुली। अलार्म तो मैंने लगाया था 6 बजे का, पर उठा मैं जाके 7 बजे के आसपास, 7 या 7:15 ऐसे कुछ उठा था। हो गया भाई मैं रेडी, बाइक में जाके मैंने टॉप बॉक्स भी लगा दिया, मेरा नाश्ता भी आ गया, पराठा और ऑमलेट, चाय अचार विद पराठा। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं फिर। बारिश का मतलब मौसम हो रखा है भाई, धूप आ रही है, धूप जा रही है। बारिश आई ना, बहुत तेज बारिश आएगी। यहाँ लगता संडे मार्केट लगी हुई है, ये सर्कल पे। बाय बाय माल रोड, शाम को मिलेंगे, बाय बाय। अब देखो यार सामने का व्यू, बाय गॉड क्या ही जबरदस्त है। ये नेहरू कुंड है, ये जो बना हुआ है, दिस इज नेहरू कुंड। सोलांग वैली 7 किलोमीटर, अटल टनल 19 किलोमीटर। रोहतांग तो खैर जा ही नहीं पाएंगे बिकॉज वहां का रास्ता बंद होगा। ओ भाई ऊपर देखो यार पहाड़ में, कह रहे बादल से आ रखे हैं या ऊपर स्नोफॉल हो रही है इतनी ऊपर। ओए होए, सामने का व्यू देखो पाजी, सामने का व्यू देखो। बर्फ में भाई अलग ही नज़ारे होते हैं। बुरांस अच्छा बना हुआ है भाई, यहाँ से देखो सामने का नज़ारा। इतनी ऊपर आके रहने में फायदा तो है, हाइट पे ही है देखो। ओ भाई मजा आ गया, क्या जबरदस्त लग रहा है ना, वाओ। ये देखो ये जा रहा रास्ता राइट में टुवर्ड्स रोहतांग। ये देखो भाई कितनी बर्फ है, बट ये पुरानी है। सामने का नजारा देखो भाई, कुछ और ही बयान कर रहा है यार, जबरदस्त। यहाँ देखो यार क्या ही बढ़िया नजारे है भाई, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। हेलमेट का वाइजर बंद कर रहा हूँ ना तो उससे ओस जम रही है, ओपन कर रहा हूँ तो शायद आपको विंड ब्लास्ट आएगा, इतना तो बियर कर लेना भाई। ओ भाई जैसे जैसे आगे जा रहा हूं ना नजारा ही कुछ और हो रहा है, देख रहे हो क्या लग रहा है यार। ये पहाड़ पे नीचे वो आगे, जबरदस्त नजारा है यार। ये बात तो फैक्ट है भाई, कभी भी मनाली आ जाओ अटल टनल मिस ना करो, यहाँ पे हर बार नजारे अलग ही होते हैं, यही फायदा होता है इस टाइम पे आने का। बर्फ में तो आने देंगे नहीं, बट इसके बाद आके आप नजारे देख लो भाई, क्या जबरदस्त है यार। कितनी ज्यादा है, मुझे लगा मेरे को हाथ देने आया यार। यहाँ पे रुकेंगे वापसी में, जब वापस मनाली जा रहे होंगे ना तो रुकूंगा। और ये आ गई अटल टनल, वेलकम टू नोट पोर्टल।
ऑफ अटल टनल। ओ भाई ओ होए, कितना वाइट है भाई। ये तो मैं दिसंबर में आया था, उससे भी ज्यादा। बहुत ही बढ़िया भाजी, कितनी दुनिया आ रखी है भाई। केलांग से मनाली की बस तो आ रही है, इसका मतलब रास्ता तो ओपन है टिल केलांग। बाकी देखते हैं कहीं बाइक्स के लिए ओपन है कि नहीं है, पता नहीं। देखो यार यहाँ पे क्या नज़ारे हैं, पूरी बर्फ जमी हुई है भाई। नीचे नदी देखो, नदी के ऊपर तक बर्फ है यहाँ पे सारी। ऊपर देखो बारिश का मौसम हो रखा है, बादल नीचे आ रखे हैं। ओ भाई ओए होए, जबरदस्त भाई जबरदस्त। ओए होए, ये देखो दोनों तरफ बर्फ की दीवार भाई, वाह। अच्छा है मैं आ गया यार, बढ़िया। ऐसे में बाइक चलाने का मेरा बहुत मन था कि दोनों तरफ बर्फ की दीवारें हो और बीच में मतलब बाइक चलाऊं। चलो वो भी पूरा हो गया। कितनी ऊंची ऊंची बर्फ की दीवारें हैं यार, ये नाना करते करते भी 14-15 फुट की दीवार है। रास्ता तो बता रहे हैं कि ओपन हो गया है टिल दारचा। लेट्स सी मैं कहां तक जाता हूं वो डिपेंड करता है। ये वाटरफॉल देखो क्या बह रहा है स्पीड से भाई, स्नो के टाइम पे तो ये भी पूरा जम गया होगा। वेलकम टू लाहौल, लाहौल में आपका स्वागत है। अब यहां क्यों रोका हुआ है, मनाली में देख के तो लगा था कि क्राउड है नहीं, पर यहाँ तो भाई भरा पड़ा। बाइक का भी है आगे ले लो। इतनी बर्फ होने के बावजूद ठंडा तो लग रहा है, इसलिए इसे उतार नहीं रहा। अब तक तो मैंने जो पहना हुआ था वो समर का था, ये विंटर का भी मैं लेके आया था, शुक्र है। तो यही पहन के मैं ऊपर आया हूँ, फोटो तो बनती है यहाँ पे यार। वो देखो मेरे पीछे क्या व्यू है, ये देखो ये तांडी है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया था जब मैं किल्लाड़ से आ रहा था, अभी तो सब दुकानें बंद हैं। किलोंग बारा लाचा ले छूट गया। तो कैमरा मेरा ऑफ था। ये रास्ता जा रहा है लेफ्ट वाला टूवर्ड्स किश्तवाड़ और किल्लाड़, और नीचे वाला रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स ले। ओ भाई, बट मेरा जब से एक्सीडेंट हुआ है 2010 से, मैं इस रोड पे कभी भी नहीं आया, सिर्फ पीछे तक आया था, दैट्स इट। इससे आगे मैं कभी नहीं आया, आज आ रहा हूं इतने सालों बाद। जिसपा तक जाऊंगा बस में, जिसपा से फिर वापस आ जाऊंगा, लंच करते हैं जिसपा पे। 2010 के बाद से इस रोड पे आज आ रहा हूं मैं, हो सकता है आप सबके लिए नॉर्मल ही है, क्या रोड ही तो है, बट मेरे लिए भाई समथिंग डिफरेंट। मेरा
एक्सीडेंट हुआ था उसका टाइम सब रिमाइंड हो गया, एक सेकंड नहीं लगा। गया था मैं इसी रोड से लेह लद्दाख, बट बिकॉज ऑफ हाइट AMS की वजह से मेरे को इशू हो गया। और भी कुछ इशू था जो कि ऑलरेडी था, बट वो उसके साथ इकट्ठा हो गया, ऑक्सीजन का भी और प्लस जो मेरा पुराना इशू था सब कुछ मिक्स हो गया। उसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी बदल गई। कोई नहीं, छोड़ो उसे, दैट वाज पास्ट। अब इंसान हूँ, याद आ सकता, याद आ गया तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। वेलकम टू किलोंग गाइस। किलोंग में ना यहाँ पे एंट्री हो रही है आगे जाने के लिए, दारचा तक रास्ता ओपन है, तो दारचा तक होके आते हैं, वहां से फिर वापस आ जाऊंगा। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के गेस्ट हाउस में रुके थे हम लोग, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था विपिन। अगर विपिन मेरा व्लॉग देख रहा है तो उससे पूछते हैं, क्यों विपिन कुछ याद आया? ये रहा गेस्ट हाउस, वो गेस्ट हाउस दिखाता हूँ आपको जहाँ मैं तब रुका था, ये गेस्ट हाउस था। विपिन याद आया, यही था ना हिमाचल टूरिज्म? भाई मेरे को तो याद आ गया, यही था होटल चंद्रा भागा। तब हमारे साथ और भी लोग थे, पांच छह बंदे थे, वो लोग बेंगलोर से आ रखे थे, रास्ते में मिले थे वो रोहतांग में। हम लोग अकेले थे तो वो लोग हमारे साथ ही हो गए थे, तो हम सारे के सारे यहाँ पे रुके थे। बढ़िया गेस्ट हाउस था भाई, तब तो सर्विस अच्छी थी इसकी, अब का पता नहीं। ऊपर की तरफ देख रहे हो वाइट वाइट सा, हालांकि वाइट तो सारा ही है, बीच बीच में थोड़े बहुत पैचेस ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बर्फ फ्रेश पड़ी हो, क्योंकि बाकी बर्फ अलग लग रही है वहां पे, तो आधी है आधी नहीं है, ऊपर पूरा वाइट है, उनको देख के ऐसा लग रहा है। अभी एक किलोमीटर रह गया है स्टिंगरी, ये माउंटेन देखो यार, अरे पत्थर पत्थर से बाहर आ रखे हैं, दूर से देख के डर लगता है इनको, तो रोड है ही ऐसी, अब क्या करेंगे। ये देखो अगेन, क्योंकि जब भी आपने ले जाना हो ना, अगर पहली बार जाना है तो जो गलती मैंने करी थी वो गलती आप मत करना पहली बार। तो अगर फर्स्ट टाइम ले जा रहे हो तो यहाँ से मत जाना। यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ से जाओगे इस रूट से वाया मनाली होके, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड ना जल्दी जल्दी इंक्रीज होता है, बट फिर भी अगर आपको जाना है तो आप जिस्पा में स्टे करो एक दिन, सो दैट आप एक्लेमेटाइज हो जाओ। जिस्पा क्या है, दारचा आता है, और दारचा के बाद तो भाई ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। बारा लाचा में भी इशू है, क्ले में तो है ही, और या फिर बेस्ट ऑप्शन है आप जाओ वाया कश्मीर, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है तो आप एक्लेमेटाइज हो जाओगे, बाकी तो खैर बात की बात है। अब आप जहाँ से भी जाते हो पानी जरूर पीना भाई, मेरी सबसे बड़ी गलती थी पानी नहीं पिया था हमने। इतनी मर्जी बार आपको बाथरूम आए आने दो, बाइक रोको कार रोको बाथरूम जाओ, थोड़ी देर बाद दोबारा पानी पियो, पानी आपको बहुत हेल्प करेगा हाइट पे, बिना पानी के भाई बहुत रिस्की हो जाता है। हमने जिस बंदे ने पूछा था उन्होंने हमें बेकार गाइडेंस दी थी, ना पानी पिया था हमने ना कुछ, ये भाई हाइट पे है ठंडा है तो प्यास नहीं लग रही, हम नहीं पी रहे, प्यास लगे चाहे ना लगे थोड़ी देर इंटरवल में पानी पीते जाओ, जैसे कि आप पीते हो 2 लीटर तो पियो 4 लीटर, ये हाल करना है हाइट पे।
जब भी आप जाओ टूवर्ड्स लेह लद्दाख।